सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक के बारे में। बेसिकली आज का जो टॉपिक है गाइस कि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट में किसी भी चैट को आर्काइव या आर्चिव जो भी आप लोग बोलते हो गाइस वो कर सकते हो। तो यहाँ पर जब भी हम लोग किसी मैसेज को आर्काइव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वो मैसेज वहाँ पर से हाइड हो जाता है, पूरा मतलब कन्वर्सेशन ही हाइड हो जाता है। एंड काफ़ी लोग को नहीं पता कि फिर से उसको अनहाइड किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है कि उस अकाउंट का नाम तक नहीं पता होता कि वो किसी तरीके से सर्च करके कर पाए। तो इसी तरह कुछ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है आर्काइव को लेकर, आर्चिव को लेकर, तो ये वीडियो को देखते रहो तभी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो गाइस अगर चैनल पर नया है हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं ऐसे ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर आता रहता हूं। सो हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य नाइट यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस यहां पर मैं आप लोगों को आर्काइव करना बताऊंगा कि इस तरीके से आप लोग मैसेज को आर्काइव कर सकते हो। उसके बाद बताऊंगा कि आर्काइव होने के बाद ये मैसेज जाता कहां है एंड उसकी लिस्ट आप कैसे देख सकते हो कि कितने लोग के मैसेजेस को आप लोग आर्काइव करके रखे हो। एंड उसके बाद गाइस लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आर्काइव जिस मैसेजेस को आपने किया है, जिन चैट्स को किया है, उन सभी को अनआर्काइव कैसे कर सकते हो, यानी कि हाइड रहता तो वो उसको अनहाइड कैसे कर सकते हो, जबकि यहाँ पर मेन आप लोग के चैट सेक्शन में दिखे। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले आर्काइव करके दिखाता हूं। देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो इंस्टा नॉलेज वाला चैट है इसको मैं आर्काइव करके दिखाने वाला हूं अभी आप लोगों को। तो किसी भी चैट को आर्काइव करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को उस पर क्लिक करके रखना है। सबको पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। यहां पर देख सकते हो आर्काइव का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस वो वाला मैसेज यहाँ पर से हाइड हो चुका है, कोई भी वो मैसेज नहीं देख पाएगा। अब सबसे बड़ी जो टेंशन आती है गाइस लोगों को कि यार ये वाला जो चैट था वो गया कहाँ, वो हाइड कहाँ हुआ है। कहीं भी आप लोग अगर क्लिक करके देखते हो तो फिर वो वाला चैट का आर्काइव का ऑप्शन देता है, अनआर्काइव का ऑप्शन कहीं देता ही नहीं है। तो डोंट वरी गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसके लिए गाइस आप लोग को सबसे पहले अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओके, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को थ्री डॉट देखने को मिलता है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर सर्च और टाइप वेब एड्रेस पे आप लोग को एक लाइनिंग लिखनी है, एक साइट लिखना है, जो कि मैं आप लोग को बताता हूँ वो फेसबुक की है, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। आप लोग को डिटो वही लिखना होगा, जैसे आप लोग को लिखना होगा WEB वेब, ओके, web.facebook.com, आप लोग ध्यान से देख लो। उसके बाद स्लैश, उसके बाद home.php, तो ये आप लोगों को सर्च करना है web.facebook.com/home.php। एंड जैसे इसको सर्च करो गाइस तो आप लोग का जो फेसबुक है वो वेब वर्जन में खुल जाएगा, यानी कि लैपटॉप पीसी में जिस तरीके से ओपन होके आता है उसी तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो एक बार आप लोग यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके सबसे पहले तो ये देख लेना कि आप लोग का डेस्कटॉप साइट मोड है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक चीज ध्यान देना होगा कि देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोग को ओपन होके आना चाहिए, नहीं तो आप लोग को जो मैंने बताया उसको आप लोग को दोबारा से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद गाइस आप लोग को थोड़ा सा करना है जूम एंड आना है थोड़ा सा ऊपर। चलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ हल्का सा। तो यहाँ पर आप लोग को एक आइकन देख सकते हो, मैसेंजर का आइकन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। मैंने अभी क्लिक कर दिया, इससे क्या होगा कि जितने भी मैसेजेस होंगे यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग को ओपन होके आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी भी देख सकते हो गाइस यहाँ पर इंस्टा नॉलेज वाला चैट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने तो उसको आर्काइव कर दिया है, हाइड कर लिया, इसलिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तो अब क्या करना है यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर जो कैमरा का आइकन देखने को मिल रहा है, जस्ट उसके बगल में एक फुल स्क्रीन का आइकन देखने को मिल रहा है, देख सकते हो छोटा सा है गाइस, ठीक है, आप लोग को शायद से दिख रहा होगा। तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे जितने भी चैट्स हैं वो सारे बड़े होकर दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। उस आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने मैसेज में बात की होगी सारे का यहाँ पर फिर से आ चुका है, और अभी भी वो इंस्टा नॉलेज वाला जो चैट है मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। देख सकते हो इसके नीचे जो चैट था वो सारा दिख रहा है, तो अब वो वाला आर्काइव चैट्स को देखने के लिए देख सकते हो ऊपर एक सेटिंग्स का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है सेटिंग वाले आइकन में। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हिडन चैट्स का, ठीक है, हिडन चैट्स पे आप लोग को कर देना है क्लिक। तो चलिए मैंने हिडन चैट्स पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ वो जो मैसेज मैंने हाइड किया था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो गाइस इंस्टा नॉलेज का जो मैसेज था यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग जितने मैसेज को आर्काइव किया होगा वो सारे यहाँ पर आप लोग को शो हो जाएंगे, उसका पूरा लिस्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट। अब लोग चाहते हैं कि गाइस इसको यहाँ से हटाए कैसे, मतलब अनहाइड कैसे करे, अनआर्काइव कैसे करते, तो चलिए उसका भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो जिस भी चैट को गाइस आप लोग को अनआर्काइव करना है, अनहाइड करना है, उसके लिए आप लोग को उस चैट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने क्लिक कर दिया अभी उस चैट पे, तो थोड़ा सा लोडिंग होने देते हैं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैंने उस चैट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं गाइस उसको एक मैसेज बस सेंड कर दूंगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाय एंड इसको कर देते हैं एंटर। तो ये मैसेज चला जाना चाहिए आई थिंक एंटर करने से यहाँ पर, क्योंकि ये पीसी वाला वर्जन है तो इस पे चला जाता है। तो गाइस यहाँ पर कर दिया मैसेज को मैंने सेंड। थोड़ा सा दिक्कत होता है गाइस फोन में, इसलिए पीसी में रहता है तो तुरंत हो जाता है, तो मैंने एक मैसेज को सेंड कर दिया है। अब गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैसेंजर पे जाके। देख सकते हो गाइस मैंने मैसेंजर पे
क्लिक किया और यहाँ पर वो जो चैट हाइड हुआ था गाइज वो यहाँ पर से अनहाइड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि फोन में गाइज पीसी वर्जन जब ओपन होता है तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम देता है, बट आप लोग जूम कर करके सही ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका भी काम हो जाएगा। मैंने जितने भी आइकन पे क्लिक करने के लिए बोला गाइज आप लोग वीडियो को देखते जाओ एंड स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करते जाओ तो आप लोग का भी आर्काइव अन आर्काइव सारा कुछ हो जाएगा। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो टेक रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर सारी को रिप्लाई दे देता हूँ, या फिर अगर वीडियो बनाना पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो भी जरूर से बना दूंगा। और आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो, तो यार जाके फॉलो भी कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर सारी को रिप्लाई दे देता हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।